हाय दोस्तों, सब्जियां और दालें तो हम रोज रोज खाते हैं, पर कभी अगर आपको कुछ अलग खाने का मन करे तो ये पकौड़े की कड़ी जरूर ट्राई करें। यह उत्तर भारत में बनाई जाती है, जिसे रोटी, नान या चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। कड़ी बनाने के लिए हम एक मिक्सर तैयार करेंगे, जिसमें डालेंगे 1.5 कप दही, 4 टेबलस्पून बेसन। बेसन को मैंने छान लिया है जिससे सारे लम्स टूट जाएं। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कर 5 कप्स पानी डालकर पतला घोल तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम इसे पहला तड़का लगाते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल लेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून राई, तेज पत्ता, करी पत्ता और 1/2 टीस्पून साबुत धनिया। इसे मिक्स करेंगे। इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च और ग्रेटेड अदरक। इसे थोड़ा भून लेंगे। आप अगर खड़े मसाले नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट कर पीस लें फिर डालें। अब जो बैटर हमने बनाया था उसे डालेंगे और मिक्स कर लो फ्लेम में पकने देंगे। जब तक कढ़ी पक रहा है हम पकौड़े बना लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में 1/2 कप बेसन लेंगे और इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जीरा, अजवाइन, नमक, थोड़ा बेकिंग सोडा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चलिए अब पकौड़ों को तल लेते हैं। हमारे पकौड़े तैयार हैं। कढ़ी भी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें नमक अगर कम हो तो आप डालें, क्योंकि हमने पहले ही नमक डाला था। अब इसमें पकौड़ों को डालकर मिक्स करेंगे और 5 मिनट पकने देंगे। ये
ये लीजिए हमारा पकौड़ा कढ़ी तैयार है। इसे हम और एक तड़का लगाएंगे, जिसके लिए हम 1 टेबलस्पून घी लेंगे और घी गर्म होने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे कढ़ी में डालकर मिक्स करेंगे। अच्छा कलर भी आ गया है और इसका टेस्ट भी बढ़ गया है। इसे एक बार जरूर ट्राई करें, सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो लग रहा है नया टेस्टी, इसे आप भी बनाइए, सबको खिलाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा बना।